आज के इतिहास पर जल्दी से नजर डालेंगे। 20 नवंबर 2023 का दिन है, भारत की बात करेंगे, 1955। कल हमने, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छा खेले पूरे वर्ल्ड कप में, एक मैच था, एक दिन मैंने खराब किया। क्रिकेट की ही बात हो रही है, 1955 की बात हो रही है, रिकॉर्ड होते हैं ना, जैसे विराट तोड़ रहे हैं, सचिन, रोहित, सब कुछ है ना। अब एक रिकॉर्ड, जैसे डबल सेंचुरी भारत की ओर से पहली मर्तबा किसने लगाई, 1955 की बात है, वनडे क्रिकेट होती नहीं थी, तो मतलब आप जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिन महानुभाव को, ये है पॉली उमरीगर साहब। क्या बात, 6 फीट इनकी हाइट थी, बहुत अच्छे डील डॉल के व्यक्ति थे। इन्होंने आज के दिन भारत की ओर से पहली डबल सेंचुरी लगाई थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में मैच हो रहा था। और ट्रिपल की बात आती है तो आप जानते हैं मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, 2004, और पाकिस्तान का मुल्तान 309। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1910 लेव टॉल्स्टॉय, अगर ये है उनका नाम की प्रोनंसिएशन, अगर आप उनके ये आप चेहरा देख रहे हैं, अगर आप रशियन की बात करते हैं क्योंकि ये रशियन राइटर रहे हैं, और ये सिर्फ रशियन राइटर नहीं थे, ये एक विरासत है पूरे साहित्य जगत की, दुनिया की। क्या बात, इंग्लिश में इनको जब वैसे प्रोनाउंस करते हैं तो इनको लियो टॉल्स्टॉय बोल देते हैं, अदरवाइज इनका नाम था लेव टॉल्स्टॉय। तो जैसे आज के दिन इनका निधन हो गया था, 82 वर्ष की इनकी आयु थी उस समय पे, भरी पूरी बहना, ये राज एक तरह से राज घराने में पैदा हुए थे, राधेशा सैनिक भी रहे क्रीमिया में, ये लड़ाई इन्होंने रूस की तरफ से, है ना जी। उसके बाद ये लेखक, फिलोसफर, सब कुछ, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन दो जो इनकी रचनाएं हैं राधेशा, एक है वॉर एंड पीस और दूसरी है एना कैरेनिना, मतलब कमाल लिखा है। इन्हें क्या कहा जाता है राजेश, इनके बारे में एक चीज बड़ी है कि ये रियलिस्टिक फिक्शन जो है उसके मसीहा है ये। क्या बात, रियलिस्टिक फिक्शन मतलब उस समय का जो रूस झलकता है। और मैंने एना कैरेनिना पढ़ी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी है, 2 वॉल्यूम में बुक है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, प्यार हो जाएगा आपको उनकी लिखने से। आज के दिन निधन हुआ था। 1917 बैटल टैंक, टैंक की बात होती है तो पानी का टैंक, किसी और चीज का टैंक, लेकिन अमूमन टैंक कहेंगे आप, तो हमें याद वही टैंक आता है, युद्धक टैंक ही आता है, बैटल टैंक ही। राजेश, मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूँ, आज के दिन दुनिया ने पहली बार टैंक को मिशन पर देखा, पहली बार टैंक का प्रयोग किसी युद्ध में हुआ, 1917 की बात है, मतलब वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। बिल्कुल, ये कहाँ हुआ राजेश, इसका इस्तेमाल हुआ फ्रांस में, और फ्रांस में कहाँ, कैम्बेराई जो जगह है, कैम्बेराई एक एरिया है फ्रांस का, वहाँ पे जर्मन्स ने कब्जा कर रखा था, फ्रांस की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे वो, और आर पार ब्रिटिश फौजें जो थी वो उस समय पे, भैया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चाहे 100 ईयर्स ऑफ वॉर चला हो, लेकिन इस समय इकट्ठे हो गए थे आके, ये जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी कारक था युद्ध का। बिल्कुल, इंग्लैंड ने ये अपना छुपा हुआ खजाना, सामने आप वीडियो देख रहे हैं, टैंक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि खंदकों में घुसे हुए थे जर्मन, और जब इन्होंने टैंक से गोले छोड़े तो वहाँ पे हंगामा मच गया, त्राहिमाम हो गया, जर्मन को पता ना लगे हुआ क्या। लेकिन एक बुरी बात भी हुई, हुआ ये कि एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई, और बारिश जो शुरू हुई तो जो हंगामा मचा था, तो फिर उसका वो बड़ा फायदा इंग्लैंड की फौज भी नहीं उठा पाई थी, एक तरफ प्योर ब्रिटिश थे एक तरफ से, और दूसरे प्योर जर्मन थे। इस लड़ाई में, जो कैम्बेराई की लड़ाई है राजेश, में 45,000 एक तरफ और 45,000 दूसरी तरफ, इतने फौजी शहीद हुए थे, लेकिन टैंक का जो है वो दुनिया को पता लग गया कि ये भविष्य के युद्ध की एक मशीन है। क्या बात, और देखिए आज भी ये मशीन काम करती है, और अब तो ऐसा भी है कि अनमैंड भी आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जी आज का इतिहास राजेश।